तैयारी शुरू करी। तैयारी मैंने ऑनलाइन मोड से ही शुरू की, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा लगता है और दूर जाने का रहने खाने का खर्चा भी ज़्यादा आता। उससे पहले ये पिछली बार भी मैंने एनएचपीसी का फॉर्म अप्लाई किया था। चलिए बहुत बढ़िया। ज्वाइनिंग कहाँ मिला? ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया होगा आप लोगों का, कहाँ मिली है ज्वाइनिंग? इरिकॉन जी सर, में क्या वर्क था, थोड़ा सा हम 1 मिनट का जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आते हैं स्टडी सर। वैसे लिया एक टू द पॉइंट ध्यानपाल सर करके है ना, टू उनके द मैंने पॉइंट नोट्स ध्यानपाल, तो लिए और उनका टेलीग्राम ग्रुप। ये एनएचपीसी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई? इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू की तरफ से न्यू बैचेस लॉन्च हो चुकी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, इसके अलावा डीएफसीसीएल हो गई, हिमाचल प्रदेश में अभी एई की वैकेंसी आई है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एई जेई की वैकेंसी चल रही है, तो बैचेस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अशोका बैच 2024 बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की क्लासेस मिल जाए आपको 2999 रुपये में। एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच आ चुका है 2499 रुपये में। इसके अलावा महाराज जन को ए की बैच 999 रुपए में और छत्तीसगढ़ जेई ए की बैच लॉन्च हो चुकी है। इन सभी बैचेस में आपको लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बताया जाएगा जो कि पैटर्न चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी दिया जाएगा और डीपीपी के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा वीकली टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट के अलावा सब्जेक्ट वाइज और मंथली जो मॉक टेस्ट आपके होते रहते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगा। स्टार्ट ड्राउट क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर, और इसके अलावा क्लॉट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन पे ही, और डायरेक्ट इंजन भी आपको स्टूडेंट की क्वेरी जो होती है, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, आपको सभी बैचेस में 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑफर के साथ साथ। तो अभी जाइए तुरंत पीडब्ल्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एनएचपीसी और टीएचडीसी के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, लगातार इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एनएचपीसी में सिलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 24 मिस्टर भरत सिंह जी, चंपावत उत्तराखंड की वादियों से। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको आपके फर्स्ट सिलेक्शन के। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत। कुछ थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ाई आपने कहाँ से कब और कैसे की? जी सर, मेरा नाम भरत सिंह है और मैंने डिप्लोमा जो है 2017 में पास आउट किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट चंपावत डिस्ट्रिक्ट से ही। और उसके बाद मैं एक साल तो पता ही नहीं था कि क्या करना है करके, फिर उसके बाद मुझे पता लगा अप्रेंटिसशिप होती है करके, तो अप्रेंटिसशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो उसमें इरकॉन से मुझे कॉल आया था, तो वहाँ इरकॉन में सिलेक्शन हो गया था जैसे, तो वहाँ पर एमपी लोकेशन मिली थी उनका, वहाँ पर बिल्डिंग वर्क्स का काम सीखा मतलब मैंने एक साल में। फिर काम सीखने के बाद जो है मैं अपनी स्टेट की कंपनी वहाँ पे आ गया, वहाँ पे एज ए साइट इंजीनियर, जो कि वाटर सप्लाई का काम चल रहा था वहाँ पे, तो उसमें मैंने एक ओवरहेड टैंक का कंस्ट्रक्शन करवाया और ट्यूबवेल और जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और हाउस कनेक्शन जो है ये सारा काम उसमें किया। फिर मुझे जैसे कि उत्तराखंड में देखिए वैकेंसी आई थी, मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा टाइप में कि मैं कुछ इस बार ट्राई कर लेता हूँ एक बार, क्या पता हो जाए। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ने के बाद तैयारी शुरू करी। तैयारी मैंने ऑनलाइन मोड से ही शुरू की, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा लगता है और दूर जाने का रहने खाने का खर्चा भी ज़्यादा आता, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन, मेरे दोस्त ने सपोर्ट किया मतलब कि उसने कहा तू मेरे पास आ जा, उसका सिलेक्शन हो गया था जल निगम में, तो उसके साथ तरीके मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया और उसी से दिन रात पढ़ाई शुरू की। ऑनलाइन लेक्चर देखता गया और नोट्स बनाता गया और फिर उसके बाद
उससे पहले ये पिछली बार भी मैंने एनएचपीसी का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें मैंने एग्जाम दिया नहीं, पर क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई। जैसे मैंने जनवरी में स्टार्ट की प्रिपरेशन और अप्रैल में उसका एग्जाम हो गया था। तो लेकिन फिर उसके बाद यूपीजेई 2018 वाले का एग्जाम होना था, तो मैंने वो दिया, तो उसमें अच्छा ठीक स्कोर आया था मेरा, 603 करीब मार्क्स में, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं तैयारी कर सकता हूँ, मुझे और लगे रहने चाहिए। उसके बाद यूकेपीएससीजेई भी हो गया था 5 मई, वो तो वो दिया, उसमें भी इंटरव्यू कॉल आ गया था रिजल्ट के लिए, और फिर वो कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब तो जो भी फॉर्म आ रहा है अप्लाई करने की तैयारी, ये दोबारा एग्जाम तो होगा ही, तो लगातार तैयारी करता रहा मैं। उसके बाद एसएससी दिया 2022 का, तो उसका प्री क्वालिफाई हो गया था, और फिर मेंस भी दिया। तो मेंस में मतलब उतना अच्छे नहीं आ पाया, मतलब वो रिटर्न में ठीक से नहीं लिख पाया, तो उसमें क्वेश्चन तो इजी थे। प्रीवियस ईयर मैंने प्रीवियस ईयर की ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाया था, मैं ऐसे एक ही बार मतलब मैंने क्वेश्चन लगाए थे वो, तो इस वजह से वो उसमें नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने एग्जाम तो बहुत सारे दिए, जैसे DDAJEE और LMRC और कौन ये एग्जाम दिए, और अभी जब NSBC का दोबारा आया तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। इसका एग्जाम ऐसे तुरंत हो गया था, लेकिन लगातार पढ़ाई करने से मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो गए थे मेरे, और उसमें मुझे एग्जाम जो है बहुत ईजी लग रहा था वैसे, तो इस वजह से इसमें मैंने अच्छा अटैम्प्ट कर लिया, मतलब मार्क्स मेरे 151.25 आ गए, और अभी मैं NSPC में सेलेक्टेड हूँ, अब ज्वाइनिंग होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया। ज्वाइनिंग कहाँ मिला? ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया होगा आप लोगों का, कहाँ मिली है ज्वाइनिंग? जी सर, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसमें चंबा हिमाचल प्रदेश में मिली है लोकेशन। बहुत है, लोकेशन बहुत टॉप की है, और बहुत बढ़िया हिल स्टेशन भी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। वैसे आप उत्तराखंड से हैं तो नजारे तो आप पहले से भी देख रहे होंगे। इरिकॉन में क्या वर्क था, थोड़ा सा हम एक मिनट का जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आते हैं स्टडी से रिलेटेड टॉपिक पे। इरिकॉन में क्या वर्क आपको मिला था और कितने दिन तक आपने वहां पे अप्रेंटिसशिप की? इरिकॉन में सर जैसे अप्रेंटिस में पूरा प्रोजेक्ट का काम चला था, तो उसमें बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो क्वार्टर बनते हैं रेलवे के स्टेशन के बगल पास में, तो उसका काम था। उसमें पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का जो काम होता है, पहले लेआउट और जो भी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन वर्क, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिनिशिंग वर्क्स जो है, वो मैंने पूरे एक साल में मतलब सीखा। वहाँ पे जो भी कैसे क्वांटिटी निकालते, कैसे PBS बनता है, साइट का पूरा डिटेल नॉलेज, मतलब साइट पे कैसे काम होता है, क्या होता है, वो मैंने इरिकॉन में जाकर ही सीखा अप्रेंटिस में, और काफी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। इरिकॉन का एक्सपीरियंस आपको NSPC में बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि शुरुआत में उतने हार्ड काम मिलते नहीं, मेंटेनेंस वगैरह का काम मिलता है NSPC में। उसके बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो उसके बाद और अच्छे वर्क आपको उसमें देखने और करने को मिलेंगे। अगर आपने 2 साल प्राइवेट जॉब की, 1 साल आपने इरिकॉन में किया, तो जब आप तैयारी करने गए अपने दोस्त के यहाँ, तो आपने शुरुआती चीजें कहाँ से शुरू की वो हम जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है तैयारी का, वो कहाँ से आपने शुरू किया, फिर से जो आपने 2 साल जॉब छोड़ने के बाद आपने जो तैयारी की, वो स्टेज हम जानना चाहेंगे, वो कहाँ से शुरू किया आपने? जी सर, फर्स्ट में जैसे कुछ जैसे जॉब करने के बाद तो सब पूरा डिप्लोमा में से भी ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, तो पता रहता नहीं कि क्या 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 सिलेबस में है क्या नहीं है। और जैसे मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग ले ली, मैंने कहा उत्तराखंड UKPSC के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड की कोचिंग लेना ही बेटर रहेगा, तो डॉक्टर मंडल क्लासेस देहरादून, उनका मैंने कोचिंग लिया, और उसी उनके लेक्चर से बेसिक से मतलब लेक्चर देखे और नोट्स बनाए और उन्हीं को रिवाइज किया, और फिर उसी के बेस पे मैंने UKPSC और UPJEE 2018 वो एग्जाम दिए, और मतलब ठीक ठाक स्कोर किया है। उसके बाद ये NSPC के और कोई क्लासेस ज्वाइन किया है, उतना ही रिवीजन आप करते गए? जी सर, उसके बाद मैंने SSC जैसे एग्जाम, SSC में वैकेंसी ज्यादा आ गई थी, मैंने कहा SSC टारगेट करना सही रहेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आसानी से, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैंने
डिटेल में पढ़ने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, और अनअकैडमी के टीचर मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, जो पूरा डिटेल में बताते हैं, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से समझाते हैं, जो काफ़ी हेल्प मिली मुझे अपने प्रिपरेशन में उसके लिए। और एक और मैंने सोर्स वैसे लिया, एक टू द पॉइंट ध्यानपाल सर करके है ना, उनके मैंने नोट्स लिए और उनका टेलीग्राम ग्रुप, हाँ उनके जूम सेशन भी हम काफ़ी किए हैं, उनसे भी काफ़ी गाइडेंस और मोटिवेशन मिला, मतलब लगातार उनके टच में भी रहा मैं। वो ये एनएसपीसी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई थी या डायरेक्ट आपने एग्जाम दिया? एनएसपीसी के लिए टेस्ट सीरीज भी लगा दी थी, जैसे एसएससी का मेरा एग्जाम के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो उससे भी लगातार मैं टेस्ट देते रहता, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, तो उनसे मतलब अपना एग्जाम से पहले ही अपना प्रिपरेशन चेक करने के लिए काफ़ी बेटर रहता है, कि और कितनी प्रिपरेशन हुई है वो सब पता लग जाता है, और उसमें लगातार मैं टेस्ट देते रहता था। एनएसपीसी में कितना आपने अटेम्प्ट किया था ऑन एग्जाम और कितने नंबर आपको मिले? एनएसपीसी में जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन किए 140 के करीब अटेम्प्ट किए, तो मुझे पेपर का लेवल बहुत इजी जैसा लग रहा था, मैंने कहा इसमें तो मुश्किल है क्योंकि 140 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो पिछली बार ही मेरिट जो है जनरल की 150 गई है, तो इतने में तो होना नहीं है, तो मैं धीरे धीरे अटैम्प्ट बढ़ा के गया, लेकिन टाइम भी काफ़ी बचा था उसमें, लास्ट तक मैंने पूरे अटैम्प्ट कर दिए वो, और उसमें मतलब काफ़ी तुक्के भी थे और काफ़ी मैं 50-50 करके था, तो ओवरऑल मेरा वैसे पॉजिटिव में गया, तो इस वजह से सिलेक्शन हो गया मतलब। यानी लक भी मैटर करता है सिलेक्शन में। जी सर, सब 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 थोड़ा सा सब कुछ सही होता, मैं तो ये मानता हूँ कि मेहनत भी करनी पड़ती है और किस्मत भी होती है। 140 तक तो मेहनत किया आपने, उसके बाद तो वहां पर माइंड, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका माइंड वर्क कर गया। ऐसे में क्या लड़के घबरा के उल्टा सीधा काम कर देते हैं, आपका माइंड वर्क किया कि इतने में तो होगा ना, थोड़ा और अटेम्प्ट करते हैं। अब वहां पे लक ज्यादा डिपेंडेंट होता है, तो 60 क्वेश्चन आपने और अटेम्प्ट किए तो इसमें चांसेस होते हैं अधिक गलती करने के, बट लक रहता है तो फिर वहां से सही हो जाता है। और बुक्स कौन कौन सी यूज की आपने तैयारी के दौरान, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी, अगर हम बुक्स के बारे में जानना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने यूज की? प्रैक्टिस के लिए वैसे तो पहले एक आरएस खुरमी करके ली थी, बहुत पहले से ही पढ़ी थी मेरे पास वो, और उसके बाद मैंने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जैसे जॉब छोड़ने के बाद, तो मैंने यूथ की 15,000 सीरीज वाले पार्ट वन पार्ट टू मंगा लिए, उससे मैं लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता था, क्योंकि उसमें डिप्लोमा लेवल के लिए वो काफ़ी बेस्ट बुक है, उसमें सारे एसएससी के पीवाईक्यू, सारे एग्जाम के पीवाईक्यू मिल जाते हैं डिप्लोमा लेवल में, जो भी एग्जाम होते हैं जेई के लिए। और बुक्स तो मैंने ज़्यादा और नहीं प्रेफर की, बाकी मैं ऑनलाइन नोट्स और ऑनलाइन लेक्चर देख के ही रिवीजन ऐसे करता रहता था, तो यही मुझे मतलब प्रिपरेशन में काफी इससे हेल्प मिली। अपने यूथ की कोई किताब नहीं पढ़ी? यूथ की और नहीं पढ़ी, यूथ की पार्ट वन पार्ट टू जेई वाली पार्ट 1 पार्ट 2 पंद्रह जी हजार 15,000 सीरीज सीरीज। जो है वो। जी, चलिए ठीक। तो अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास नोट्स जो ऑनलाइन क्लासेस से आपने लिया, प्रैक्टिस के लिए आपने टेक्स्ट बुक, आरएस कुर्मी और यूथ की 15,000, ये इतने चीजों में आपका सिलेक्शन हो गया। जी तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, यूपीपीएससी देना है या एनएसपीसी ज्वाइन करनी? अभी तो एनएचपीसी ज्वाइन करना है, लेकिन यूकेपीएससी भी दूंगा, अभी प्रिपरेशन कर रखी है, अगर उसमें अच्छा डिपार्टमेंट और अच्छी लोकेशन पे मिल जाए तो वो भी उसी ज्वाइन कर लूंगा, और एनएचपीसी में भी काफ़ी फैसिलिटी है, वो कहते हैं कि फैमिली भी रख सकते हैं वहाँ पे, और अगर अगर मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो मैं एनएचपीसी ही फिर प्रिपेयर करूँगा, और क्योंकि बाद में ट्रांसफर भी उसमें हो सकता है, और उसमें प्रमोशन का भी डिपार्टमेंटल एग्जाम करके अच्छा चांस है, ऐसा जितना भी अभी तक सुना है, तो एनएचपीसी भी काफ़ी बेटर लग रहा है मतलब कि।
अरे ठीक है, ये बताइए जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपका नाम था, क्या रिएक्शन रहा आपका और आपके फैमिली का? जिससे पहले तो मैं रिजल्ट जैसे मैंने देखा तो मैं काफी खुश हो गया। मैं फिर जैसे दोस्त था बगल में जिसके साथ रहता हूँ तो उसको गया, वो भी खुश, काफी खुश हो गया। मतलब थोड़ी देर फिर जैसे रिजल्ट आया तो फिर मैंने पापा को फोन किया कि रिजल्ट आ गया है और जो ही बन गया करके, तो वो भी काफी खुश थे। फिर शाम को फिर घर वालों से फिर बात हुई तो सारे लोग खुश थे, मतलब कि अब हाँ अब कोई टेंशन नहीं है, अब अच्छे से जीएंगे करके। मैं आप वो इंजीनियर गुप्ता को कब से जानते हैं? इंजीनियर गुप्ता सर, वैसे तो मैं 3-4 सालों से ही ये देख रहा हूँ चैनल, ऐसे मैंने काफी इंटरव्यू देखे हुए हैं तो लगातार। अभी हाल में तो मैं ज्यादा नहीं देखे, पर जब मैं स्टार्टिंग में देखा था काफी सारे इंटरव्यू देखे, तभी से मैं लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ, देखता हूँ, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कैसे बच्चों ने प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रगल लाए, और यही मतलब मैं भी खुद में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जो कमियां रह जाती हैं, तो अभी सोचा था कि काफी टाइम से मैं देख भी रहा इंटरव्यू हूँ। दूंगा गुप्ता जी को, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, पर आज ये देखिए मतलब काफी अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मैं भी सिलेक्टेड हो गया, जेई बन गया। जो नए बच्चे हैं इस समय, जो अभी फिलहाल 2023 में पास आउट हुए हैं, आपको लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो जॉब हो जाओ चाहे वो तैयारी को लेकर हो, तो एक फ्रेश फ्रेश स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देंगे कि आप लोग क्या क्या चीजें करो अभी से? 2023 जो पास आउट हुए एकदम फ्रेश बच्चे, चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक हो, उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? वैसे आजकल तो इतनी अवेयरनेस है कि नए बच्चों को भी कॉलेज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, वो कोचिंग के जाने लग जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा कंटेंट के चक्कर में ना पड़े, एक कोचिंग पकड़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। आजकल बच्चे, ये मेरे मन भी ये रहता था कि इसका कंटेंट में थोड़ा कुछ अलग दिख जाए तो दूसरा ले लो कोचिंग, या फिर और कहीं से पढ़ लो दूसरा, ये वो नहीं करना चाहिए। एक कंटेंट पे भरोसा करके उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, और कॉन्सेप्ट उसी से मजबूत होते, उसी से चीजें याद रहती हैं, तो वो काफी हेल्प मिलती है। ये मैं कहना चाहूंगा जो तो भी नए प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार टेस्ट देते रहे, और खुद पे भरोसा होना चाहिए सबसे बड़ी बात पहली, तो कि हाँ मैं कर सकता हूँ करके। आई कैन डू इट, इसका आपको भरोसा होना चाहिए, जैसा कि भरत जी का कहना है। तो आप जी लोग पूरा इंटरव्यू में जो भी चीजें अच्छी लगी हो, यहाँ भरत जी की ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, उस लाइन को आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपने नोटिस कर ही लिया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, स्वागत रहेगा। जब भरत जी की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हम उनके पास फिर से एक इंटरव्यू सेशन करेंगे, लाइव करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और जल्द ही हम चाहेंगे कि यूपीपीएससी जेई में भी आपके सिलेक्शन हो जाएं, जिससे आप अपनी स्टेट में ही रहें। और जो भी बच्चे जी देख सर, रहे हैं बहुत बहुत सभी धन्यवाद। लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, सर को बधाई जरूर दीजिएगा और उनके फेवरेट लाइन लिखिएगा जो आपको और आपके फ्रेंड्स को सहायता करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में।